हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेसिफाई। आज की इस कंट्री कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे विकसित और खूबसूरत देशों में से एक माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप में एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। दुनिया का और कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका किसी पूरे महाद्वीप पर अधिकार हो। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 1000 किलोमीटर दूर पूर्व में दो बड़े और लगभग 600 छोटे छोटे आइलैंड पर बसा हुआ एक खूबसूरत देश है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की जीडीपी, पॉपुलेशन, मिलिट्री बजट, एवरेज इंटरनेट स्पीड जैसे 10 से भी ज्यादा फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों देशों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनल जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है और ओवरऑल जीडीपी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 14वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.6% है। वही न्यूजीलैंड की नॉमिनल जीडीपी 206 बिलियन डॉलर्स है और ओवरऑल रैंकिंग में न्यूजीलैंड 51वें नंबर पर है। न्यूजीलैंड का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% है। करेंसी रेट की बात करें तो आज जुलाई 2019 में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.05 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होता है। एरिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का एरिया 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। वही न्यूजीलैंड का एरिया 2,68,921 स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है और सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वही वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी है और ऑकलैंड यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन केवल 2.5 करोड़ है और पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 55वां सबसे बड़ा देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में कुल कांगारुओं की आबादी वहां पर रहने वाले इंसानों से भी ज्यादा है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कांगारुओं का देश कहा जाता है। वही न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन केवल 48 लाख के आसपास है और दुनिया का 127वां सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड का नेशनल सिंबल कीवी है। यह एक न उड़ने वाली चिड़िया है और इसी चिड़िया की वजह से न्यूजीलैंड के लोगों को पूरी दुनिया में कीवी नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.03% है। वही न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.1% है। दोस्तों, अगर रिलीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 52.1% क्रिश्चियंस, 30.1% एथिस्ट, मतलब यह लोग कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते, 2.6% मुस्लिम्स, 2.4% बुद्धिस्ट, 1.9% हिंदू, 0.5% सिख, 0.4% जुडाइज्म और 9.1% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वही न्यूजीलैंड में 49% क्रिश्चियंस, 41% एथिस्ट, 2.1% हिंदू, 1.5% बुद्धिस्ट, 1.2% मुस्लिम्स, 0.5% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही देशों का लिटरेसी रेट करीब करीब 99% है। अगर करप्शन की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इन दोनों ही देशों में ज्यादा करप्शन नहीं होता है और लो करप्टेड कंट्रीज की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 13वें नंबर पे है। वही न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बजट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री बजट 27.5 बिलियन डॉलर्स है और ओवरऑल मिलिट्री रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 22वें नंबर पर है। वही न्यूजीलैंड का मिलिट्री बजट 18.7 बिलियन डॉलर्स है और ओवरऑल मिलिट्री रैंकिंग में न्यूजीलैंड 87th नंबर पर है। फर्टिलिटी रेट यानी कि एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है, तो बता दे ऑस्ट्रेलिया का फर्टिलिटी रेट 1.77 बर्थ पर वुमन है। वही न्यूजीलैंड का फर्टिलिटी रेट 2.01 बर्थ पर वुमन है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इन दोनों ही देशों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में औसतन एक व्यक्ति 82.50 ईयर्स जीता है, वही न्यूजीलैंड में औसतन एक व्यक्ति 83 ईयर्स जीता है। HDI जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है, तो बता दे यह दोनों ही देश वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैटेगरी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का HDI 0.939 है, वही न्यूजीलैंड का HDI 0.917 है। बिलियनियर्स यानी कि अरबपतियों के बारे में बात करें तो फोर्स मैगजीन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 33 बिलियनियर्स रहते हैं, वही न्यूजीलैंड में केवल 2 ही बिलियनियर्स रहते हैं। जीना राइनहार्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी कुल नेटवर्थ 14.7 बिलियन डॉलर्स है। वही ग्रीम हार्ट न्यूजीलैंड का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी कुल नेटवर्थ 10.3 बिलियन डॉलर्स है। अगर एवरेज इंटरनेट स्पीड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एवरेज इंटरनेट स्पीड 11.1 एमबीपीएस है, वही न्यूजीलैंड में एवरेज इंटरनेट स्पीड 14.7 एमबीपीएस है। चलिए दोस्तों आखिर में टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, कैनबरा, गोल्ड कोस्ट, न्यू कैसल, सनशाइन कोस्ट और वॉलोंगॉन जैसी सिटी शामिल हैं। वही न्यूजीलैंड के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन, तोरंगा, नेपियर, डनिंडन, पाम्स्टन नॉर्थ, न्यू प्लेमंथ और नेल्सन जैसी सिटी शामिल हैं। तो दोस्तों आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के कैपिटल सिटी का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।